भाषणपुर नाम के एक छोटे से गांव में भूषण नाम का एक व्यक्ति रहता है। भूषण का दिमाग और उसके चातुर दिमाग के सामने कोई टिक ही नहीं पाता है। इतना होशियार होने के बाद भी भूषण बेरोजगार है, इसलिए दिन भर अपने जैसे बेरोजगारों के साथ बैठकर समय की बर्बादी करता रहता है। आज उस पेड़ के 120 पत्ते टूटे हैं। चाहो तो शर्त लगा लो, लेकिन गिनना तो तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो जानता हूँ वो 120 है। अगर तू कह रहा है तो वो 100 बस हो भी सकते हैं। तू जैसे चातुर इंसान से शर्त लगाकर हारने का कोई शक नहीं है मुझे। मेले में एक ऐसी चीज, एक ऐसा खेल देखा है कि उसे पूरा करना हमारे इस छात्र के बस के भी नहीं है। वो बात सुनते ही भूषण की आंखें घमंड से लाल हो जाते हैं और वो अपने दोस्त दिनेश से पूछता है कि ऐसी खेल है जो वो नहीं जीत सकता है, वो भी एक बच्चों के मेले में। तब भूषण का दोस्त दिनेश, यहाँ पर कड़ा होकर समझाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। शाम को मेले में जाते हैं, तैयार रहना, तुम भी मंगेश। ऐसे कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है। शाम को सभी दोस्त अच्छे से तैयार होकर मेले में जाते हैं। वहाँ पर भूषण के दोस्त दिनेश उसे एक खेल दिखाता है। एक टेबल पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ सामान रखे हुए थे, जैसे कि 10 से लेकर 100 रुपए के नोट और बिस्किट, चॉकलेट और साबुन। उस दुकान का मालिक 10 रुपए में 3 रिंग देकर किसी भी 3 वस्तु पर रिंग डालने पर वो वस्तु उन्हें दे रहा था। अबे, ये तो चक्री खेल है, मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ, आओ खेलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। ये खेल तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कभी खेल कर नहीं देखा है, चलो खेलते हैं। ऐसे कहते हुए भूषण, मंगेश और दिनेश चक्री खेल खेलने के लिए कुछ रिंग्स लेते हैं। भूषण अपने 3 रिंग्स में एक से भी नहीं डाल पाता है। अबे, तूने नाक काटा दी हमारी, ये एक भी रिंग नहीं डाल पाया। अब देख मैं कैसे एक एक करके सभी रिंग्स डालता हूँ। ऐसे कहते हुए मंगेश पहली रिंग एक बिस्किट के पैकेट पर डालता है और बाकी के वेस्ट कर देता है। ये तुम में से किसी का भी बस की बात नहीं है, हटो यहाँ से, मैं दिखाता हूँ इसे कैसे डालते हैं। ऐसे कहते हुए भूषण 3 के 3 रिंग्स 100 रुपए की नोट के ऊपर सही से डालता है। तभी पीछे से शोर आता है। तीनों दोस्त वहाँ पर जाकर देखते हैं, वहाँ पर एक और चक्री का खेल रहा। उस खेल में अभी बिस्किट्स के पैकेट्स थे और एक ही 1 लाख का प्राइस था। हम सब तब से वहाँ पर वक्त क्यों बर्बाद कर रहे थे, असली खेल तो यहाँ पर है। ऐसे कहते हुए भूषण उस चक्री खेल वाले से रिंग्स देने को कहता है। तब वो चक्री वाला ऐसे कहता है, ये रिंग 100 रुपए का है, खेल जाते हो तो 100 रुपए को 1 लाख में बदल सकते हो, किस्मत तुम्हारे हाथ में है। मेरे एक ही रिंग काफी है, एक से ज्यादा रिंग खरीद कर पैसे क्यों बर्बाद करना है। ऐसे कहते हुए भूषण एक रिंग खरीद कर डालने की कोशिश करता है। वो बहुत खरे पहुँच कर झुक जाता है, इसलिए भूषण एक और रिंग लेता है और फिर से कोशिश करता है और फिर से झुक जाता है। भूषण ऐसे उसके और उसके दोस्तों के सारे पैसे खत्म होने तक कोशिश करता रहता है,
लेकिन एक भी रिंग नहीं डाल पाता है। भूषण को तब शक होता है और वो टेबल के नीचे देखकर वहाँ से एक चुंबक निकलता है। तो ये है तुम्हारे खेल का राज, हाँ? धोखेबाज कहीं के? ऐसे कहते हुए सब मिलकर उस चक्री खेल वाले की खूब पिटाई करके अपने पैसे वापस ले लेता है। तुम दोनों मुझसे हमेशा कहते हो ना, इतने होशियार को कुछ भी करके पैसे कमा सकते हो, वो कुछ भी करने पर आखिर में ये हाल होता है। इसीलिए चाहे कितने भी देर हो, गलत रास्ता नहीं लेना चाहिए। बोटीपुर नाम के गांव में चाणक्य नाम का एक व्यक्ति रहता था। चाणक्य के पिता नरेंद्र एक किसान है जो हमेशा मकाई के दानों की फसल उगाते हैं। नरेंद्र एक बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए गांव के बच्चे और बड़े सभी लोग नरेंद्र की इज्जत करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। सुना है कि इस बार की फसल कुछ खास नहीं हुई है, ऐसा क्यों नरेंद्र? पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था ना? फसल हर बार की तरह इस बार भी अच्छी हुई थी, लेकिन मैं 2 दिन के लिए शहर जाकर वापस आने तक जंगली जानवरों ने आधे फसल खराब कर दी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बची हुई फसल को मंडी लेकर जाऊं या बाजार में ले जाकर बेचना चाहिए। अपने बेटे से मदद मांगकर देखो, उसके पास ट्रक भी तो है। चाणक्य एक दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री में सामान लेकर आने और वापस लेकर जाने का काम करता है। चाणक्य अपना ये काम बिल्कुल भी ढंग से नहीं करता है और आधे से ज्यादा वक्त अपने ट्रक में सोता रहता है, इसलिए उसे हमेशा डांट सुननी पड़ता है। ओए चाणक्य, उठो, नींद से जागो महाराज। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा नाम चाणक्य रखकर गलत काम किया है, कुंभकर्ण रखते तो अच्छा होता। अपने बॉस की बातें सुनकर चाणक्य उसे मुंह पर तो कुछ कहता नहीं है, लेकिन मन ही मन में वो भी अपने बॉस को सारी बातें सुना देता है। ये बात चाणक्य का चेहरा देखकर कोई भी पता लगा सकता है। अभी 5 मिनट में पहुँचा कर वापस आता हूँ सर जी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे कहते हुए चाणक्य सामान लेने के लिए अंदर जाता है और वहाँ पर कुछ ऐसा देखता है जो सुनने में नामुमकिन लगता है। इस लिक्विड की एक बूंद किसी भी चीज का साइज दुगना कर सकती है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसे चाणक्य जैसे मूर्ख को ये देखकर बेचना चाहिए। उसे देखकर बेचना ही सही होगा, किसी समझदार या होशियार को ये काम देंगे तो सामान गायब होने का खतरा लगा रहेगा। चाणक्य उन दोनों साइंटिस्ट की बातें चुपके से सुन लेता है और एक अनजान व्यक्ति की तरह जाकर वो लिक्विड्स उठाकर अपनी ट्रक में रखता है और दूसरी जगह पर पहुंचा देता है, लेकिन सारे लिक्विड बॉटल्स नहीं पहुंचाता है। ये लोग मुझे समझते क्या है? ये लिक्विड मेरा किसी ना किसी काम को आ ही जाएगा, इसीलिए 2 बोतल रख लेता हूँ। ऐसे कहते हुए 2 लिक्विड के बोतल्स अपने पास रखकर घर लौट जाता है चाणक्य। घर पहुँचने के बाद उसके पिता उससे ऐसे कहता है, चाणक्य बेटा, क्या तुम इस बार की फसल बेचने में मेरी मदद करोगे? मेरे पास ये सब फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है पिताजी, अब जानते भी हो मैं कितना व्यस्त रहने वाला व्यक्ति हूँ। ऐसे अपने ही पिता को डांट कर सो जाता है चाणक्य।
लेकिन उसे नींद नहीं आती है और मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगता है। इसलिए रात को अपने पिता पर गुस्सा बरसने वाला चाणक्य सुबह उठकर ऐसे बात करता है। रात को मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अब घर पर ही रहकर आराम कीजिए, मैं आपकी सारी फसल बेच कर दूंगा। अपने बेटे के मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर नरेंद्र समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं है। चाणक्य उस लिक्विड को मकाई के बुट्टे पर डालकर उन्हें बड़ा करके बेचने लगता है। मकाई के दाने बड़े होने पर लोग शौक से खरीदने लगते हैं। बुट्टे ले लो भाई, सब बुट्टे ले लो। इतने बड़े मकाई के बुट्टे आप अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा होगा। ऐसे बुट्टे बेच रहे चाणक्य के पास पुलिस वाले आकर उसे पकड़ कर लेकर जाते हैं। वजह पूछने पर ऐसे कहते हैं, ये जहाँ पर काम करता था वहाँ से कुछ ऐसा चुरा कर आया है जिसके कीमती करोड़ों में है। ऐसे कहते हुए पुलिस वाले चाणक्य को लेकर जाते हैं। उसे देखकर नरेंद्र सोचता है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।